Assalamu alaikum students, I am your teacher Farah Siddiqui from Forward Public School. Welcome to e-learning class 8, subject physics, chapter number 1, physical quantities and measurements. Today we discuss the lecture number 10, which is physical balance and stopwatch, which is the remaining parts of the measuring instruments. चले टॉपिक देख लेते हैं अपना फिजिकल बैलेंस. व्हाट इज फिजिकल बैलेंस एंड वेयर वी यूज फिजिकल बैलेंस. फिजिकल बैलेंस आपके पास हम मेजरमेंट ऑफ मास के लिए यूज करते हैं. जब हमें मास मेजर करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसके लिए हम फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं. और डेली लाइफ में आपने शॉपकीपर्स के पास देखा होगा, जो आप शुगर मेजर करती हैं, आप सॉल्ट मेजर करती हैं, राइस मेजर करती हैं, या कोई भी वेजिटेबल फ्रूट आपने मेजर करना होता है, तो वो फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं. डेली लाइफ से लेबोरेटरी वाला फिजिकल बैलेंस थोड़ा सा चेंज होता है. और आप इसको हम रीड कर लेते हैं. द मास ऑफ ए बॉडी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. आपके पास किसी भी बॉडी का मास फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट इट कैन बी कंपेयर्ड इजीली अगेंस्ट अ बॉडी ऑफ नोन मास. लेकिन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको? थ्रू कंपैरिजन हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और किसके साथ कंपैरिजन करते हैं? जो कि हमें नोन मास होता है. किसी भी नोन मास को अननोन मास के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो इससे हमें मास कैलकुलेट हो जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द मैसेज ऑफ टू बॉडीज इज कॉमनली नोन एज वेइंग प्रोसेस. ये जो प्रोसेस हम करते हैं जिसमें हम दो मैसेज को कंपेयर करते हैं, वो उस प्रोसेस को हम वेइंग प्रोसेस कहते हैं. और दिस वेइंग इज कैरिड आउट थ्रू अ बैलेंस. और ये किसके थ्रू होता है? ये फिजिकल बैलेंस के थ्रू होता है. फिजिकल बैलेंस इज जस्ट अ कॉमन बैलेंस वेयर देयर आर टू पेंस. आपके पास फिजिकल बैलेंस जो है वो एक कॉमन बैलेंस की तरह ही होता है. जो आम डेली लाइफ में तराजू यूज किया जाता है उसी तरह ही होता है. और इसमें दो पेंस होते हैं. You measure weight of an object by putting it in one pen and a known weight in the other pen. ये देखिए, आपके पास ये दो pens होते हैं physical balance में. एक pen में हम known mass रखते हैं और एक pen में हम unknown mass रखते हैं. ठीक है. A physical balance is very sensitive common balance which can measure weights in milligram order. ये जो laboratory में हम physical balance use करते हैं ये बहुत ज़्यादा sensitive होता है, क्योंकि ये हम milligram के लिए use करते हैं. जब हमें milligrams में values चाहिए होती हैं तो हम इसे milligrams, grams के लिए use करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा आपके पास sensitive balance होता है. It is placed in a protective glass case so that even dust and wind cannot affect the accuracy of the instrument. ये जो आपके पास physical balance laboratory में use होता है ये glass casing में होता है. और उससे क्या होता है, glass casing में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये milligrams में हमें measure करके दे सकता है. तो dust particles और wind भी इसकी accuracy को affect ना करें, that's why इसको glass case में रखा जाता है. अगर हम इसकी construction देख लें तो ये आपके पास एडजस्टमेंट नॉब है, लेवलिंग स्क्रू है, प्लम लाइन है, पिलर है, अ गेट नाइफ एंड अ गेट प्लेट है, बैलेंसिंग स्क्रू है, पॉइंटर है, स्केल है और पैंस है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल बैलेंस. आई होप आपको समझ आ गई होगी फिजिकल बैलेंस की. आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच आपके पास बेसिकली टाइम इंटरवल को हम नोट करने के लिए यूज़ करते हैं. और स्टॉप एंड वॉच मीन्स क्या है? रोकना और फिर देखना. आपके पास जो आपके घरों में वॉल क्लॉक्स हैं या रिस्ट वॉचेस हैं आपकी, वो आपके पास एक मतलब वो चलती रहती हैं, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते. ठीक है. और स्टॉप अगर कर लें तो आप एक ख़ास टाइम इंटरवल उससे उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो स्टॉप वॉच का हमें फ़ायदा ये होता है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो ज़ीरो से उसका टाइम इंटरवल स्टार्ट होता है. देन हम अगर कोई भी ख़ास टाइम हमने नोट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं क्लास में इंटर हुई हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा लेक्चर कितने मिनट्स का था, तो मैं जैसे ही क्लास में इंटर होंगी और लेक्चर स्टार्ट करूँगी तो मैं स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर लूँगी, वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी. देन जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको स्टॉप कर दूँगी और वो ख़ास टाइम इंटरवल, वो लेक्चर का टाइम मेरे पास नोट हो जाएगा कि वो 30 मिनट्स था, 20 मिनट्स था, 10 मिनट्स था या वो 5 मिनट्स था, वो मेरे पास नोट डाउन हो जाएगा. देन मैं उसको दोबारा से रिसेट करके
एक और नया टाइम इंटरवल में नोट कर सकती हूँ। स्टॉपवॉच का हमें ये फायदा है, ठीक है। पर्पस हम देख लेते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ ए टाइम ऑफ स्पेसिफिक इंटरवल इज मेजर्ड बाय अ स्टॉपवॉच। कोई खास टाइम, कोई खास लम्हा, कोई खास ऐसा वक्त जो कि आप मेजर करना चाहती हैं और आप एग्जैक्ट टाइम उसका नोट करना चाहती हैं कि वो कितने टाइम आपका वो वक्त गुजरा है, वो कितना आपने किसी काम में वो कितना टाइम लगाया है, तो वो हम थ्रू स्टॉपवॉच इजीली मेजर कर सकते हैं। इट हैज़ टू मेन टाइप्स, दैट इज़ मैकेनिकल एंड डिजिटल। आपके पास स्टॉप वॉचेज में दो टाइप्स की स्टॉप वॉचेज आती हैं, एक मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉप वॉच और एक डिजिटल स्टॉप वॉच आती है। मैकेनिकल एनालॉग स्टॉप वॉच कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू हैंड्स, अ स्मॉल मिनट हैंड एंड अ लॉन्ग सेकेंड हैंड। स्केल्स फॉर ईच हैंड आर मार्क्ड ऑन द सर्कुलर डाई। आपके पास इसमें, अब मैं इसको सेकेंड टाइम प्रेस करूँगी तो ये स्टॉप हो जाएगी, और जब मैं इसको थर्ड टाइम प्रेस कर दूँगी तो ये रिसेट हो जाएगी, जीरो पर चली जाएगी। तो ये आपके पास मैकेनिकल एनालॉग स्टॉप वॉच है। रीड कर लेते हैं, वर्किंग देख लें। टू नोट द टाइम, बोथ द हैंड्स आर सेट एट जीरो बाय प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द नॉब। ये तब है जब अगर आपके पास आपको स्टॉप वॉच दी गई है और उस जो नीडल्स हैं वो जीरो पर नहीं है, तो आप नॉब को प्रेस करके उसको जीरो पर ला सकती हैं। एज द नॉब इज प्रेस्ड एंड रिलीज्ड अगेन द वॉच स्टार्ट। आप दोबारा से जब प्रेस करेंगी तो आपके पास वॉच जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन द सेकंड हैंड कंप्लीट टू रोटेशंस, जब आपके पास सेकंड्स वाली नीडल जो है वो टू रोटेशंस ऑफ 30 सेकंड्स ईच कंप्लीट कर लेगी, द मिनट हैंड एडवांसेस बाय वन डिवीजन। तो मिनट वाली नीडल जो है वो एक डिवीजन आगे हो जाएगी। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टॉप्ड, अगर हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं, अगेन द सेम नॉब इज पुश, हम दोबारा से नॉब बी को पुश करेंगे, द वॉच स्टॉप्स एंड द टाइम कैन बी नोटेड। हम टाइम को नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके लीस्ट काउंट की बात कर लेते हैं। A mechanical analog stopwatch can measure up accuracy of 0.1 second. तो आपके पास 0.1 second से ये measure करना start करता है, तो this is least count of mechanical analog stopwatch. This is the least count of mechanical or analog stopwatch. तो आपके पास अगर कोई least count पूछे तो least count इसका 0.1 second है। चलिए सेकंड वन स्टॉप वॉच डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच आपके पास क्या है, द टाइमिंग फंक्शंस इन डिजिटल स्टॉप वॉच आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय टू बटन्स ऑन द केस। थोड़ी सी चेंज होती है इसमें, बटन्स ज़्यादा होते हैं आपके पास एज कम्पेयर टू एनालॉग स्टॉप वॉच। एनालॉग स्टॉप वॉच में एक ही आपके पास नॉब था जिसको हम थ्री टाइम्स प्रेस करते थे, अब डिजिटल स्टॉप वॉच में आपके पास आपके टू बटन्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पास इसमें काम कर रहे हैं। प्रेसिंग द टॉप बटन स्टार्ट्स द टाइमर रनिंग। आपके पास इसमें एक टॉप बटन होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो आपके पास टाइम जो है वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। एंड प्रेसिंग द बटन अ सेकेंड टाइम, जब इसी बटन को हम सेकेंड टाइम प्रेस करते हैं तो आपके पास टाइम स्टॉप कर जाता है। लीविंग द एलैप्स्ड टाइम डिस्प्ले, तो आपके पास एक टाइम डिस्प्ले होता है और एलैप्स्ड का मतलब होता है गुजरा हुआ, एलैप्स्ड मीन्स गुजरा हुआ टाइम, तो जो जितना टाइम गुजर चुका होता है वो आपके पास वहाँ पर आपको शो हो जाता है। अ प्रेस ऑफ द सेकेंड बटन देन रीसेट्स द स्टॉप वॉच टू जीरो। जब हम सेकेंड बटन को प्रेस करते हैं तो आपके पास स्टॉप वॉच रीसेट हो जाती है, वो जीरो पे चली जाती है। द सेकेंड बटन इज आल्सो यूज्ड टू रिकॉर्ड स्प्लिट टाइम्स और लैप टाइम्स। हम सेकेंड बटन को स्प्लिट टाइम या लैप टाइम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, व्हेन द स्प्लिट टाइम्स बटन इज प्रेस्ड व्हाइल द वॉच इज रनिंग। हमने किस टाइम इसको प्रेस करना है, स्टॉप करने से पहले हमने एक दफ़ा बटन प्रेस किया, हमारी टाइम स्टार्ट हो गया, अब मैं स्प्लिट टाइम देखना चाहती हूँ और उसको मैं आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं सेकंड बटन को प्रेस करूँगी तो मेरी जो टाइम है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा और मुझे इसमें टाइम नज़र आ जाएगा, ठीक है, टाइम मेरा फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा। अलाउइंग द एलैप्स्ड टाइम टू दैट पॉइंट टू बी रीड, वो क्या होगा कि वो मुझे अलाउ कर रहा है कि आप टाइम को आप नोट कर लें। बट द वॉच मैकेनिज्म कंटिन्यूज रनिंग टू रिकॉर्ड टोटल एलैप्स्ड टाइम, लेकिन पीछे जो है बैक पर आपके पास वो टाइम चल रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो टाइम रुका नहीं है।
Pressing the split button a second time allow the watch to resume display of total time. जब मैं दोबारा से split button ही press करती हूँ तो मेरा resume time मुझे दोबारा से शुरू हो जाता है और वो time को note करने शुरू कर देता है. So this is all about the digital stopwatch. डिजिटल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट देख लेते हैं. डिजिटल स्टॉपवॉच कैन मेजर अप एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेकंड. इसकी एक्यूरेसी कहाँ तक है? 0.01 सेकंड. हमारे पास एनालॉग स्टॉपवॉच से डिजिटल स्टॉपवॉच जो है वो हमें कम से कम टाइम आपको नोट करके दे सकती है. दिस इज़ द लीस्ट काउंट डिजिटल ऑफ स्टॉपवॉच. तो ये आपके पास स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट है. So this is all about the stopwatch. I hope आपको दोनों stopwatch clear हो गई होंगी. इंशाल्लाह जब हम laboratory work करेंगे तो हम इनको use करेंगे. हम ज़्यादातर laboratory में analog stopwatch ही use करते हैं. So remaining parts of this topic we will discuss in next video. Thank you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.